हमने जो डिस्कस किया है लास्ट क्लास में, वो हमारे पास है कि कॉस्ट प्राइस वाले किए हैं हमने, और एज वाले करे हैं, और फ्रैक्शंस वाले। अब एक्सरसाइज 3.2 में कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, तो आज मैं वो डिफरेंट बहुत इजी वाले हैं तो मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारे पास है, टेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट पार्ट, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड आपके पास क्वेश्चन है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 3.2 में कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, तो आज इनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देखो जरा ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको आप वन वेरिएबल में भी कंसीडर कर सकते हो और टू वेरिएबल में भी कंसीडर कर सकते हो। तो मैं यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ये हमारे पास है बेटे, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, अगेन जस्ट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। तो देयर आर 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। एक्चुअली अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसफॉर्म करेंगे सिंबल्स में, तो आपको फिर सारे वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इजी लगने लगेंगे, अदरवाइज हर हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट नजर आएगा। अब मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे दो तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये है बेटा हमारे पास, और ये चैप्टर 4 में भी काम आएगा, कि हमें कहाँ वन वेरिएबल लेना है, कहाँ टू वेरिएबल लेना है, और अगर हम टू वेरिएबल लें तब भी इक्वेशन ऑटोमेटिकली वन वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मैं दिखाना चाह रहा हूं, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट। तो एक तरीका तो ये जो हम कर रहे हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स वाई। What is the total number of students? 10. 10. Question कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, question तो मैं एक line में लिख देता तो answer आ जाता। मैं आपको सिर्फ method बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी अप्रोच कैसी कैसी हो सकती है अलग अलग, तो फिर इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा उससे। तो यहाँ टोटल स्टूडेंट्स हैं, इसे आप केस वन कह सकते हो, टोटल स्टूडेंट्स आर 10। तो सिंपली Girls and boys is equals to 10. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now there is another thing. If the number of girls is 4 more than number of boys. Yes or no? Given है ना? Yes, sir. क्यों भाई? क्या कह रहा है आपसे? आपसे ये कह रहा बेटे, ऑल्सो मैं पहले वो ही लिख रहा हूं जो वहां दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 4 मोर, मैं पहले मोर ही लिख रहा हूं, मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ये आपके पास है, जरा सिंबल्स में चेंज करो। आपने नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या कंसीडर किया है? Why? What is 4 मोर? 4 plus then number of X. Boys, what is the number of boys? X. That is my second equation. Yes or no? Yes, sir. My first equation is X plus Y is 10. My second equation is Y is equals to 4 plus X. Substitute कर दीजिए, easy है. Put in 1. आपके पास आ जाएगा X plus Y, but Y is 4 plus X.
ये हमारे पास y है बट y को हमने 4 plus x प्लेस किया है दैट इज इक्वल्स टू 10 तो x plus x is 2x 4 को राइट साइड ले जाइए 10 minus 4 will be 6 2 से डिवाइड कर दीजिए x will be 6 by 2 that is 3 अगर इस 3 को आप सीधा सीधा सा 2 में प्लेस कर देंगे तो y आ जाएगा तो पुट इन 2 y is equals to 4 plus 2 is 6 yes or no जी सर अब जरा सेकंड अप्रोच देखिए आप ये तो अब सर 7 होगा 4 plus 3 4 plus 3 अच्छा x is 3 yes thank you बेटे तो 4 plus 3 is 7 तो ये तो हमारा 2 वेरिएबल का अप्रोच था अब अगेन दोबारा से देखिए तो ये हमारी अप्रोच अलग अलग हो सकती है लेकिन हमें कोशिश ये करनी है स्टेप्स कम हो क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है बट ये 1 or 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ ठीक है तो इसलिए इसको हमें इसी लेवल पे करना है आइए देखिए जरा अब मैं इसको दूसरी अप्रोच से कर रहा हूँ तो हर बच्चा अपने लेवल से कंसिडर कर सकता है कि मुझे किस तरह से अपने क्वेश्चन को करना है ये मेरे पास है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part. प्लीज ध्यान से देखो टोटल स्टूडेंट्स टेन इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स मैं इसको राइट साइड लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसको चेंज करूंगा नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज यस और नो यही गिवन है ना यस सर अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटे ये जो मेरे पास नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर बॉयज है ना तो अगर इस तरह का कोई भी हमें सीक्वेंस कभी दे दे तो आप क्या करो राइट साइड वाले को कंसीडर करो सिंपल राइट साइड वाले को लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि क्या मैं बॉयज के टर्म्स में गर्ल्स को लिख सकता हूँ यस सर एक्स then number of girls will be 4 plus x yes or no yes sir sab bache please sochiye zara is cheez ko bhai humse keh raha tha wo ke number of girls is 4 more than number of boys and we consider that number of boys is x to simply hum girls ko y na leke hum number of girls ko 4 plus x le sakte hain ya nahi le sakte yes sir, yes, sir. good तो yes. आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10. 10. तो आप लिख दीजिए बेटे x plus 4 plus x is 10. तो सारे स्टेप गायब हो गए नहीं हो गए तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके जहन में किस तरह से आ रहा है और कैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो 2x is 6, x is 3. x मेरा क्या है बॉयज तो बॉयज 3. एंड गर्ल्स क्या है 4 प्लस 3 तो चॉइस आपकी रहेगी कि आप अपने क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करते हैं देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं